2024 के लोकसभा चुनाव का अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 400 से भी कम समय रह गए हैं और सभी पार्टी अपने अपने ढंग से प्रचार करने लगा है। कल तेलंगाना में TRS की रैली हुई, TRS अब BRS हो गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। लेकिन विपक्षी एकता कैसे चलेगी? राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, आपको अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं जा रहे हैं, TRS जो BRS में हो गए हैं चंद्रशेखर नहीं जा रहे हैं, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 2024 के चुनाव में सभी विपक्ष बिखरा हुआ है और जब विपक्ष बिखरा हुआ है तो मोदी के मुकाबला नहीं कर सकता है और निश्चित रूप से पुनः मोदी आ जाएंगे। अगर मोदी को हराना है तो सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा, जो संभव नहीं लगता है। और चूंकि ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार उम्मीदवार हैं, चंद्रशेखर उम्मीदवार हैं, अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं, अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब विपक्ष में 7-7 आदमी 8-8 आदमी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, एक दूसरे को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, और तब जब मानने के लिए तैयार नहीं है तो अकेले मोदी से मुकाबला संभव नहीं है।